हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक लोकसभा और लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आंकड़ों की, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा। लोकसभा की संरचना की व्याख्या हमें अनुच्छेद 81 से मिलती है। इसके अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 552 है। इसमें से 530 राज्यों से और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और वर्तमान समय में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। इसमें 530 जो है राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि 13 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं। 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। संसद का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन। संसद का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन, इसकी व्याख्या हमें अनुच्छेद 84 में मिलती है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक है और उसकी आयु 25 वर्ष है। संसद की सदस्य से निर्हरता अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन, इसकी व्याख्या हमें अनुच्छेद 102 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से मिलती है। लोकसभा के अधिकारी, प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा महासचिव, सचेतक। प्रोटेम स्पीकर, प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष घोषित करता है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य, नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक अस्थायी तौर पर सदन का संचालन करना। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, आम चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में सदन के सदस्यों के द्वारा अपने में से किसी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर निर्दलीय व्यक्ति होता है, जबकि भारत में स्पीकर अपनी दलीय सदस्य का त्याग नहीं करता। लोकसभा उपाध्यक्ष, ड्यूटी स्पीकर, संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष के निर्वाचन का भी प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और जब कभी उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो पुनः किसी अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा महासचिव, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। लोकसभा महासचिव संसद का स्थायी पदाधिकारी होता है जो 60 वर्ष की आयु तक इस पद पर कार्य कर सकता है। वह संसद और लोकसभा के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा महासचिव के प्रमुख कार्य, वह राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को आमंत्रण जारी करता है तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करता है। वह सदन की ओर से संदेश भेजता है, वह अध्यक्ष के संदेशों को प्राप्त भी करता है। सदन या समितियों के समक्ष जो गवाह प्रस्तुत होते हैं उनके विरुद्ध समन जारी कर सकता है। सचेतक, सचेतक का कार्य संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों को अनुशासन में रखना होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में अपने एक सदस्य की नियुक्ति सचेतक के रूप में करता है। 1 जून 2009 को जब 15वीं लोकसभा का गठन हुआ तो उसमें मीरा कुमारी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। अब हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2019। 13 अप्रैल से 19 मई तक भारत में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल से 20 राज्यों में, दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल से 13 राज्यों में, तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल से 14 राज्यों में, चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल से 9 राज्यों में, पांचवें चरण का चुनाव 6 मई से 7 राज्यों में, छठवें चरण का चुनाव 12 मई से 7 राज्यों में,
सातवें चरण का चुनाव 19 मई से 8 राज्यों में। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, बिहार में 40 सीटें और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें और तमिलनाडु में जो है 39 सीटें हैं। सर्वाधिक मतदाता उत्तर प्रदेश में 14.27 करोड़ सर्वाधिक मतदाता हैं, जबकि महाराष्ट्र में 8.49 करोड़, बिहार में 6.99 करोड़, पश्चिम बंगाल में 6.83 करोड़ और तमिलनाडु में 5.87 करोड़ मतदाता हैं। कुल मतदाता इस समय लोकसभा के चुनाव में 90 करोड़ मतदाता भाग लेंगे और 10 करोड़ जो है पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग ले रहे हैं। इन 90 करोड़ मतदाताओं में 42.1 करोड़ महिला वोटर हैं और महिला वोटर में जो है 2.41 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। मतदान केंद्र पूरे भारत में लोकसभा चुनाव के लिए 10.36 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पिछले आंकड़े 2014 में भाजपा ने लोकसभा की 282 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। 2009 में भाजपा ने लोकसभा की 116 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 206 सीटें जीती थी। 2004 में भाजपा ने लोकसभा की 138 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 145 सीटें जीती थी। 1999 में भाजपा ने लोकसभा की 182 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी। लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा और सिक्किम में जो है विधानसभा के चुनाव भी होंगे। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की। पहला क्वेश्चन है, सबसे कम लोकसभा सीटें इनमें से किस राज्य में? राइट आंसर है ये सभी। अगर हम सबसे कम लोकसभा सीटों की बात करें तो सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में जो है लोकसभा की सबसे कम एक एक सीटें हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादर व नगर हवेली, दमन व दीप, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार में भी जो है लोकसभा की एक एक सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और तमिलनाडु में जो है लोकसभा की 39 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? राइट आंसर है मीरा कुमारी। 1 जून 2009 को जब 15वीं लोकसभा का गठन हुआ था तो उसमें जो है मीरा कुमारी प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? राइट आंसर है 3 और 3 लोकसभा के सत्र हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? राइट आंसर है 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? राइट आंसर है 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।